लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप लगातार नए फीचर्स का फायदा यूजर्स को देता रहता है और वॉइड रोल आउट से पहले बीटा टेस्टर्स के साथ नए फीचर्स की टेस्टिंग की जाती है। व्हाट्सएप बीटा वर्जन में किए गए बदलाव के सामने आया है कि अगर किसी ग्रुप में 256 से ज्यादा मेंबर्स हैं तो उसकी नोटिफिकेशन अपने आप म्यूट कर दिए जाएंगे। हाल ही में व्हाट्सएप ने एक ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स की संख्या बढ़ाई है और कम्युनिटीज फीचर का फायदा भी मैसेजिंग ऐप यूजर्स को मिल रहा है। व्हाट्सएप ऐप बीटा वर्जन इस्तेमाल कर रहे यूजर्स ने पाया है कि जिन ग्रुप्स में 256 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नोटिफिकेशंस अपने आप म्यूट कर दिए गए हैं। ऐप ऐसा इसलिए कर रही है जिससे ढेरों नोटिफिकेशंस यूजर को परेशान ना करे। व्हाट्सएप पर मिलने लगा नया मजेदार फीचर, आप ऐसे शुरू कर सकते हैं इस्तेमाल। व्हाट्सएप अपडेट ट्रैकर ने दी जानकारी। मेटा की ऑनरशिप वाली ऐप के अपडेट्स को मॉनिटर और ट्रैक करने वाली वेबसाइट वा बेल्टन इन्फो ने बताया है कि कंपनी नया फीचर अपनी ऐप में टेस्ट कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े ग्रुप चैट्स को अपने आप म्यूट करने वाले फीचर की मदद के ढेरों नोटिफिकेशंस को कम किया जा सकेगा और कुछ बीटा यूजर्स के साथ टेस्टिंग के बाद अगले कुछ दिनों में इसका वाइड रोल आउट देखने को मिल सकता है। व्हाट्सएप ने हाल ही में एक बड़ा बदलाव करते हुए ग्रुप चैट में पार्टिसिपेंट्स की संख्या बढ़ाई है। अब एक व्हाट्सएप ग्रुप में 1024 तक मेंबर को शामिल किया जा सकता है। हालांकि ग्रुप में इतने ज्यादा मेंबर्स होने का मतलब है कि उसमें ढेरों मैसेजेस आएंगे और उनके नोटिफिकेशंस यूजर को परेशान कर सकते हैं। यही वजह है कि अगर आप ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं जिसमें 256 से ज्यादा मेंबर्स हैं तो उसे अपने आप म्यूट कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ला रहा है नई डेडिकेटेड ऐप, इन यूजर्स के लिए मजेदार होने वाली है चैटिंग। सभी यूजर्स को मिलने लगा कम्युनिटीज फीचर्स। व्हाट्सएप पर कम्युनिटीज फीचर अब एंड्रॉइड, आईओएस और वेब पर सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है। यह फीचर्स यूजर को नेट ऐप के तौर पर दिखाया जा रहा है और इसकी मदद से कई ग्रुप्स को एक साथ जोड़ा जा सकेगा। कानूनी जंग न्यूज के लिए ब्यूरो।